आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव करनावाला जब्ती पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 1100 वोट और 3000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान सतीश कुमार ने अपने हाथों में संभाल रखी है। इन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। वहीं ग्राम प्रधान सतीश कुमार के द्वारा ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी गई है। ग्राम प्रधान सतीश कुमार और सचिव जसपाल सिंह के द्वारा स्कूल के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक ठाकुरद्वारा के करनावाला जब्ती ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या समस्याएं यहाँ गांव में अभी भी बाकी हैं और किस तरह से कोरोना के चलते लॉकडाउन में यहाँ लोगों की मदद की गई है या क्या कोशिशें इनकी आगे भी समय रहते जारी रहेंगी, सबके बारे में हम ग्राम प्रधान जी से जानकारी लेकर आपको आगे की बात बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। रणजी टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल आपका लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, अब तक के बीते कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में करवाए हैं? मैंने सबसे पहले तो जो है सफाई पर ध्यान दिया है। जब से मैं प्रधान बना, मैंने अपने गांव में कहीं भी कचरा वगैरह नहीं होने दिया। जो नाले खंडे हमारे टूटे हुए थे उनको मैं आज किसी और किसी कार्य में बनने के लिए बनवाया। हाँ, ज़्यादातर मेरे गांव में जो है 75% जो है पक्के रास्ते पक्के हो चुके हैं। हाँ, आवाज़ मिले 16 आवाज जो है मैंने कहा। अभी भी कुछ परिवार होंगे जिन्हें मतलब जो कच्चे मकान में जिन्हें आवास की जरूरत है, कितने परिवार? हाँ, वो हैं, कम से कम 6-7 परिवार ऐसे हैं जो अभी आवश्यकता है मकान में जो कच्चे में रहते हैं। पेंशन वगैरह राशन कार्ड ये सब बने हुए हैं? हाँ, पेंशन बनवाई है मैंने, कम से कम 135 पेंशन हाँ। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो ये आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है पूरा पूरा? हाँ, ये तो सभी लोगों का है जी। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगवाई है? नहीं, सोलर लाइट तो नहीं लगी, वो हमारे पास इतना पैसा नहीं जी। जैसे हमारे यहाँ पैसे का थोड़ा कम, मतलब छोटी ग्राम पंचायत हमारी जी, पैसा भी कमी आता है जी। उसमें साफ सफाई, नाली खड़े जैसे कि अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें लॉकडाउन भी रहा बीच में इतने दिनों का, तो आपने अपने ग्राम पंचायत में किस तरह से लोगों को जागरूक किया है क्या और उनकी या मदद की है इस मुश्किल वक्त में? चलते कई परिवार ऐसे होंगे जिनके सामने बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हुई, तो आपका क्या योगदान रहा है? सबसे पहले तो मैंने जब से महामारी हमारे यहाँ देश में आई तो मैंने क्या काम करा कि सब लोगों को जागरूक करा, इस तरह से भैया थोड़ा सा मास्क इस्तेमाल करो और थोड़ा दूरी बना के रखो और कहीं बाहर जो है वो कम कर लो। जो बाहर से लोग आए हमने उनको क्वारंटीन करने की कोशिश की और ज्यादा लोग ने घर में क्वारंटीन रहे और उसके लिए छिड़काव हमने कई बार छिड़काव करे हैं, जो दवाई और साफ सफाई विशेष ध्यान दिया है। लोग जो ना जो मतलब गरीब थे जैसे मास्क नहीं दिए और यानी कि हमने अपने गाँव में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं आया, मतलब पूरी तरह से आपने जागरूकता यहाँ पर लोगों में डाली है इसको लेकर। अभी अपने गांव में क्या समस्या आप ऐसी महसूस करते हैं जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार की तरफ से मदद मिले या सरकार से किस तरह की मांग अपने गांव को और ज्यादा विकसित करने के लिए आप रखना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा समस्या जो है वो श्मशान घाट की है जी। बार बार उठाता हूँ, हमारे यहाँ श्मशान घाट जो है वो कच्चा वहाँ पर झाड़ी रहते हैं क्योंकि नरेगा से हम उसकी सफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि नरेगा खुदाई में भी यूज कर सकते हैं लेकिन साफ सफाई में वो नहीं आता जी। और नदी किनारे बना हुआ कभी बरसात गया जाती तो पानी जो है हम सब लोग इसके लिए जैसे सड़कों के लिए या इस तरह की कोई भी जो दिक्कतें यहाँ पर आती हैं कभी आपने किसी सांसद ने भी या जिला पंचायत इस तरह से किसी ने भी से आपने मदद लेने की कोशिश की? हाँ जी, हमने हमारे प्रदेश में एक रास्ता बनवाया है हमारे गाँव 100 मीटर
उन्होंने भी जो है हमारे यहाँ 100 मीटर की जो है आज जी शमशान घाट के अलावा यहाँ पर जैसे पंचायत भवन भी आपने बताया कि यहाँ नहीं तो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं होगा? अस्पताल स्वास्थ्य हमारे यहाँ नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से अस्पताल? यहाँ से अस्पताल ये मानो के और उसमें है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं और तो ठाकुर पर जाना पड़ता है। काफी किलोमीटर यहाँ से पड़ता होगा तो इसकी वजह खाली ग्राम समाज की जगह नहीं है ये है या कुछ और? आपने कभी कोशिश की कि जो है यहाँ पर अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र बने उसकी सुविधा मिले लोगों को? कोशिश की लेकिन हमारे यहाँ वो एग्री नहीं हो पाते क्योंकि छोटा गाँव नहीं बनाते। जी जी हाँ, तो वो कहते हैं कि आपके पड़ोस में है लेकिन पड़ोस में नहीं करते तो उसकी सुविधा कोई नहीं मिलती है। जी प्रधान जी जैसे कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है अभी तो ग्रामवासियों को शुभकामना संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी तरफ से सभी गाँव वालों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की मतलब हार्दिक शुभकामनाएं जी और हम चाहेंगे इस महामारी से निकल के जब हमारा देश आए तो हम फिर जो अपने हस्त मिलकर सब मिल बांट कर अपना दिवस मनाएं। जी जी इस साल हम वो जश्न नहीं मना पाएंगे लेकिन भविष्य में एक बार महामारी से देश जीत जाए तो स्वतंत्रता दिवस जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। बीते इस कार्यकाल में काफी विकास ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण। ज्यादातर यहाँ पर जो रुझान है गांव के विकास को लेकर सड़कों पर दिया गया है क्योंकि निधि बहुत ही कम यहाँ पर आती है ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया है, इसलिए ज्यादा रुझान जो है वो कच्चे रास्तों को लेकर के है कि गांव में कोई भी रास्ता कच्चा ना रहे। कोशिश पूरी पूरी तरह से जारी रही है। इसके अलावा यहाँ स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण का कार्य करवाया गया है लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ अभी भी बाकी हैं जैसे कि पंचायत भवन जो यहाँ निर्मित नहीं है, बारात घर या अस्पताल तक यहाँ पर निर्मित नहीं है जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कई किलोमीटर दूर जहाँ से ठाकुरद्वारा लोगों को जाना पड़ता है। अगर नजदीक करीब में कोई स्वास्थ्य केंद्र है भी तो वहां से कोई भी सुविधा किसी भी ग्रामवासी को नहीं मिल पाती है क्योंकि ना तो वहां कोई डॉक्टर है ना ही वहां दवाइयां मुहैया हो पाती हैं। इसके अलावा प्रमुख मांग जो यहां ग्राम प्रधान द्वारा रखी गई है वो शमशान घाट को लेकर है जिसके लिए चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यदि मदद मिले या धनराशि इतनी बढ़कर मिले तो वो यहाँ शमशान घाट का निर्माण करवाना चाहते हैं। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए पूरा करें। अशोक अली के साथ बना रहे हैं जी। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम निर्वाण सिंह है। कहाँ के निवासी हो? ग्राम तरनावाला जट्टी। अच्छा, यहाँ पे लगभग 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास को लेकर हम कहना चाहेंगे कि जितना काम हमारे प्रधान जी ने करवाया है, पिछले प्रधान जी हमारे सामने रहे हैं उनके मुकाबले उन्होंने डबल काम करवाया, टिपर ही कराया है बच्चों को। इनका काम बहुत बढ़िया हुआ है, रास्ते सब पक्के हो गए और इन्होंने घर भी बनवाया कई आदमी हो गए और अभी काम चल ही रहा है। आंगनबाड़ी बनवाया है यहाँ पे, वो शौचालय बन गया है बड़ा वाला और अभी काम चल रहा है। प्रधान जी हमारे काम फेंकने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार से। मोदी सरकार से मेरा कहना है कि हमारे प्रधान जी की रिक्वेस्ट पूरी करें। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ दिव्यांग हो, पेंशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल रही है? पेंशन हर महीने मिलती है आराम से, आप काम लाते हैं। पेंशन कोई दिक्कत नहीं है।